राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा, हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी नौकरी, सरकारी अन्य सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा, बैंक से लोन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यदि फिर भी वो बच्चा पैदा करेगा तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। इसके साथ ही तोगड़िया ने कहा, हम सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान संशोधन करवाएंगे कि देश में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, डीएम, एसपी, जज देश में हिंदू के अलावा किसी को बनने ही नहीं देंगे। ये सब संभव है। तोगड़िया ने यह बयान गुरुवार देर रात को नर्मदापुरम में दिया। वे यहाँ हिंदू साथी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि सम्मेलन द्वारा करोड़ों हिंदुओं के लिए समृद्धि, सेवा, सम्मान, सहयोग, संस्कार की व्यवस्था भारत में 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे प्राइवेट कॉल सेंटर पर कॉल करने के बाद यह मदद सभी जरूरतमंदों तक तुरंत पहुँचाई जाएगी। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर भी तोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी। तोगड़िया ने कहा, न कोई बैन लगाने वाला है और न ही लगने वाला है। यह तो कर्नाटक का चुनाव था, मतदाताओं को खुश करने के लिए नूरा कुश्ती चला रहे थे। हिंदुओं को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।